हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, प्रश्न उठता है कि दिल्ली में अक्सर आए दिन बार बार भूकंप क्यों आते रहते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों इस छोटे से वीडियो में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, भारत को 5 भूकंपी जोन में बांटा गया है। पहला जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन, चौथा और पाँचवा जोन। पहले जोन के अंतर्गत जिन क्षेत्रों को रखा गया वहाँ पर भूकंप आने की संभावना नगण्य होती हैं और भूकंप के कारण जो रिस्क है वो बिल्कुल नो रिस्क जोन है। इनमें वो क्षेत्र आते हैं जैसे पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, कर्नाटक आदि राज्यों के क्षेत्र शामिल हैं। जोन 2, कम रिस्क वाला क्षेत्र, अगर भूकंप आता तो रिस्क यहाँ कम होता है। दोस्तों, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हैं। तीसरा जोन 3, जोन 3 जो है वो जोन 2 से ज़्यादा रिस्क वाला क्षेत्र होता है। दोस्तों, केरल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। जोन 4 में रुक रुक कर भूकंप आते रहते हैं, यह रिस्क वाला क्षेत्र होता है। जोन 4 में ही मुंबई, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, जोन 4 में जो कि रिस्क वाला क्षेत्र है, दिल्ली शामिल है, इस कारण यहाँ अक्सर आए दिन भूकंप आते रहते हैं। जोन 5 सबसे ज़्यादा रिस्क वाला क्षेत्र होता है और यह गुजरात का कच्छ एरिया है तथा हिमाचल, हिमालय का पर्वतीय एरिया व पूर्वोत्तर भारत का एरिया इस जोन 5 में सम्मिलित होता है। दोस्तों,